त्योहारी सीजन खत्म होते ही लोग अपने काम पर लौटना शुरू हो गए हैं। वहीं बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बसों में सीट के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊना बस स्टैंड पर सुबह से ही चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी के लिए यात्रियों का खूब जमावड़ा लगा है। यात्रियों की सुविधा के लिए HRTC ऊना डिपो द्वारा आज सुबह 11 बजे तक ही 7 विशेष बसें चंडीगढ़ और बद्दी के लिए रवाना की गई। वहीं HRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक निदेशक ने एक सप्ताह तक ऐसी ही भीड़ उमड़ने का दावा करते हुए समय समय पर विशेष बसें उपलब्ध करवाने की बात कही है। त्योहारी सीजन की छुट्टियां मनाकर लोग घरों से काम पर लौटना शुरू हो गए हैं। इसके चलते ऊना से चलने वाली बसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जहां एक और HRTC यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाए जाने का दावा कर रहा है, वहीं यात्रियों को बसों में खड़े होकर धक्का मुक्की के बीच सफर करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह ऊना बस स्टैंड पर यात्रियों को खासी भीड़ देखने को मिली और सुबह 11 बजे तक ही HRTC द्वारा चंडीगढ़ के लिए 5 और बद्दी के लिए 2 विशेष बसें रवाना की है, जबकि शाम तक यात्रियों की संख्या 2 से 3 गुना अधिक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऊना से चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी क्षेत्र के लिए यात्रियों की ज्यादा डिमांड सामने आ रही है, जिसके चलते HRTC द्वारा इन्हीं रूटों के लिए ज्यादा से ज्यादा विशेष बसों का प्रबंधन किया जा रहा है। HRTC के RM JS बदन ने अगले एक सप्ताह तक ऐसे ही यात्रियों की भीड़ रहने की उम्मीद जताई है। वहीं RM ऊना ने यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर विशेष बसें उपलब्ध करवाने का भी दावा किया है। HRTC ने विभिन्न स्थानों के लिए अलग अलग बसें लगाई हुई है। पब्लिक की डिमांड को मद्देनजर देखते हुए अभी तक HRTC उन्होंने 7 बसें स्पेशल भेजी गई है, जिनमें से 5 बसें जो है चंडीगढ़ के लिए भेजी गई है और 2 बसें बद्दी के लिए भेजी गई है। और जितनी भी एज पर डिमांड होगी, हम जितनी ज़्यादा बसें होगी, हम जैसे ज़्यादा बसें लोगों को सुविधा के लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसी भी पब्लिक को असुविधा ना हो। सर, क्या लगता है कब तक ये इस तरह से रश रहने वाला है और कितनी एक्स्ट्रा बसों के लिए HRTC कितना तैयार है? मेरे हिसाब से तो ये हफ्ता पूरा जो है, इसमें हमारा लोग घर गए हुए हैं, उस हिसाब से ये हफ्ता तो पूरा जो है इसमें रसी रहेगा। लोग घर गए हैं तो अपने हिसाब से लोग वापस जाते हैं, कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ वहाँ से चंडीगढ़ से वापस आ रहे हैं। दोनों साइड से जो है मेरे हिसाब से अनुमान है कि एक हफ्ता तक जो है रस रहेगा। लाइफ टाइम्स TV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।